तूने मेरा फोन क्यों नहीं उठाया? साइलेंट पे। ओके ब्रो, मैं आ गया, सात खंबा भी लाया हूं, अब कल की तरह मजे मारते हैं। लेट्स किल द फन। मिस्टर खिलानी, बिफोर यू बिगिन, एक्चुअली मुझे आपसे कुछ सीरियस बात कन्फेस करनी थी। ड्रिंक्स के बाद मैं ऐसे नहीं चाहती कि आप ऐसे सोचे कि मैंने नशे में बोल दिया। सो नहीं नहीं ऐसी ऐसी क्या जल्दी है मैडम, दो दो पैक मारते हैं हम लोग बैठ के, खिलौनी कौन सा मारा जा रहा है। नो नो मिसेस साजन, डोंट से दैट। और मैं भी बोलना चाहती हूँ। खिलौनी, मैं आई तो थी आपसे दोस्ती करने, लेकिन मुझे आपसे प्यार हो गया है। आई लव यू खिलौनी, आई रियली रियली लव यू। मैडम ये आप क्या क्या बोल रहे हैं? आप मुझसे प्यार करते हैं? ओह माय गॉड, मुझे यकीन नहीं हो रहा है। क्या कर रहे हैं आप? इतने बेरहमी से मिस्टर खिलौनी को क्यों मार रहे हैं? नहीं मैं मार नहीं रहा था, मैं इसको ऐसे होश में ला रहा था। मुझे लगा इसको यकीन नहीं हो रहा है, शायद इसको लग रहा होगा कि ये सपना है, लेकिन सपना नहीं है, ये हकीकत है, ये हादसा हो गया, ये वाकया घट गया है, कीचड़ में कमल खिल गया है। मतलब आपको सच में खिलौनी से प्यार हो गया है? साले मुझे यकीन हो गया, अब मैं जा रहा हूं। ओह गॉड मिस्टर खिलौनी, वेट वेट, आपको बुरा लग गया? नहीं नहीं मैडम, आई एम स्टिल हैप्पी, मैं खुश हूं। मैं तो घर जा रहा था अपनी बीवी को तलाक देने। नो 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 वेट वेट मिस्टर खिलौनी, इतने जल्दी डिवोर्स देने की जरूरत नहीं है। What I would suggest is कि हम दोनों एक दूसरे के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर लें, उसके बाद we can decide। ये करेक्ट है मैडम, आप पहले जानिए एक दूसरे को अच्छे तरह से समझिए, कहीं बाद में ऐसा ना हो पता चले कि चिप्स के पैकेट में चिप्स तो थे ही नहीं, हवा ही हवा भरी हुई थी। चिप्स से मुझे याद आया कि आज मुझे कुछ स्पाइसी चकना खाने का मन कर रहा है। सुना नहीं भाई, खिलौनी मैडम को स्पाइसी चकना खाना है, जा लेके आ। मिसेस साजन, मैंने आपसे कहा आप चाहिए लेकर आइए, मुझे खिलौनी से कुछ बातें करनी है। ओके मैडम, मैं जाता हूँ। मैडम चखने में कबाब ले आऊं? कबाब इज फाइन, या बोनलेस चिकन भी चलेगा। यू नो आई डोंट लाइक हड्डी। लेकिन कुत्ते को तो हड्डी पसंद होती है। हाँ तो तू जा और अपने लिए तंदूरी ले आ, और हमारे लिए कबाब लेके आ, चल। साला आशिकी शुरू होते ही इसकी जबान भी चलने लगी, तो जब भसूड़ी के खेत में ना बोया ना, तो मेरा नाम भी साजन नहीं। मिस्टर साजन गो, किस चीज का इंतजार कर रहे हैं आप? मैडम जिस स्पीड से ये गया है ना, लगता है गरम गरम कबाब लेकर ही लौटेगा। तब तक हम एंजॉय करते हैं, ओके? या। सो, वुड यू लाइक टू टेक स्मॉल और लार्ज? टू बिगिन विद अ स्मॉल। गधे पंजी दिखा रहे हैं। किसी दिन ऐसा तोड़ूंगा ना, कोई दवाई काम नहीं आएगी। अरे संजय तुम आ गए? चलो डिनर कर लो, मैंने तुम्हारी पसंद के भरवा करेले बनाए। उसमें थोड़ा नीम के पत्तों का तड़का भी लगा दो। पहले कड़वाहट कम है मेरी जिंदगी में, और घोल दो तुम। घोल तो नवाब साहब देते थे।
संजू तुम्हें हो क्या गया? तुम्हारे तो पसंद के है ना भरवा करेला, और बिना टेस्ट के क्यों भड़क रहे हो? सॉरी, गलती हो गई। लाइ दर ला। अब ठीक है? क्या पागल हो गए हो? जीजी, तू एकदम सही करी। जो जीत जाना पागल हो गया से, हाँ। इससे पहले ही हमें काट के अपनी तरिया बना देवे ना, तू पागल खाने फोन लगा दे। तू लेमन चूस ले। बिल्कुल नहीं चूसूं, मैं तो करेले ठूसूंगा। संजू शांत हो जाओ। तुम्हें भरवा करेले नहीं खाने तो मत खाओ। मैं आधे घंटे में पुलाव बना के लाती हूँ। चावल बीनने पड़ेंगे ना? हाँ, चावल बीनने में आधा घंटा लगा दो तुम। और पति कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, किसके साथ घूम रहा है, उसकी छान बीन करने में 2 मिनट नहीं लगाती हो तुम। इतनी बुरी हूं मैं? अरे वो बावली पूछ, तन्ने हमारी जीजी के हाथ का खाना इतना बुरा लग रहा ना, तो कलेश करने की जरूरत ना है। यो ले 50 का लोट, चुपचाप खा का आइयो, और जो पैसे वापस बचे ना मन्ना दे दियो। खिलौनी के साथ बैठकर दारू मतलब पीने लग गई हो तू। देखिए दामाद के बच्चे को बोल दे, अगर इसने दोबारा मेरे बाप को मारा ना तो मैं भी फोन लगा दूंगी पुलिस को। बेटा साजन, आज कैसे भी करके मैडम के सर से इस खिलौने का भूत उतार दे, वरना बहुत जल्दी खिलौनी घोड़ी पे होगा और तू सड़क पे नागिन डांस कर रहा होगा बारात में। मैं नागिन? कम इन मैडम। हाँ, लिपस्टिक खराब हो गई मेरी, फेड आउट हो गई पूरी। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग मिस्टर साजन। एक्चुअली मैं आप ही का इंतजार कर रहे थे, मुझे आपसे मिस्टर खिलौनी की एक शिकायत करनी थी। अरे हमेशा गलत टाइम पे आता तू। क्या हुआ? सॉरी सॉरी मैडम, मैं खिलौनी को मारने की प्रैक्टिस कर रहा था मैडम। मुझे पता है एक नंबर का कमीना है वो, आप टेंशन मत लीजिए, मैं उसकी खाल उधेड़ दूंगा। मुझे बताइए बताइए क्या किया उस कमीने ने? उन्होंने कुछ किया ही नहीं मिस्टर साजन, इनफैक्ट कल रात उन्होंने मुझे इतना हंसाया कि अभी भी मेरे पेट में दर्द हो रहा है। मिस्टर साजन, ही इज सच अ फनी मैन। फनी नहीं है नाग, फनी है साला। दोस्त कोई चुप गया। मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ मैडम। ओके। खिलौनी आपके लायक नहीं है। क्यों, आपको ऐसा क्यों लगता है? हर तरह से लगता है मैडम, लुक से ही ले लीजिए आप। आप ब्यूटी है वो बीस्ट है, आप मलाई है वो जली हुई कढ़ाई है, आप कोकिला है वो गॉडज़िला है, आप कलरफुल पेंटिंग है वो ब्लैक आउटलाइन है वो। एंड दैट्स व्हाट आई वांट इन माय लाइफ मिस्टर साजन। अगर कलरफुल पेंटिंग के ऊपर एक बॉर्डर नहीं होगा तो कलर्स उभर कर कैसे आएंगे? साजन, आई लव दैट अबाउट हिम, एंड इट्स नॉट जस्ट अबाउट लुक्स, एक इंसान का नेचर सबसे ज्यादा मायने रखता है। हाँ तो नेचर तो उसका बहुत ही खराब है, वो सस्ती वाली देसी दारू पीता है मैडम। मतलब वो पैसे बचाते हैं मिस्टर साजन, ही इज कॉस्ट इफेक्टिव, वो मुझे बहुत खुश रखेंगे। मैडम वो महीने में एक बार नहाता है सिर्फ। व्हिच मींस ही आल्सो सेव्स वाटर मिस्टर साजन, और क्या चाहिए मुझे एक बंदे में जो एक कॉज के प्रति इतनी मेहनत कर रहा है, लाइक दैट। आप समझ नहीं है मैडम, मोहल्ले के हर आदमी से उसने उधार ले रखा है। व्हिच आल्सो मींस ही इज फेमस। वो अपनी बॉडी पे केरोसिन लगा के मालिश करता है मैडम। नाउ आई गेट इट मिस्टर साजन, उनके अंदर इतनी आग क्यों है? बस बोलते जाइए मिस्टर साजन, आप जितना रिवील कर रहे हैं मुझे उतना ही उनसे प्यार होते जा रहे, जस्ट होते जा रहे, जस्ट से मोर अबाउट हिम, बोलते जाइए। कहते हैं लव इज ब्लाइंड, पर स्टूपिड भी होता है, ये आज पता चला। अब चुप ही रहना साजन, वरना तेरी अगली बात पे मैडम के दिल में खिलौने के लिए प्यार और बढ़ जाएगा। बोलिए मिस्टर साजन, आई एम वेटिंग, से। हाँ छेदी, हाँ आया, एक मिनट, छेदी छेदी बुला रहा है, मैं आके आपको बताता हूँ। साले खिलौने को उसकी बीवी पसंद नहीं करती, मैडम ने पता नहीं कहाँ से पसंद कर लिया। जीजा कैसे बड़बड़ा रहा, दिमाग में गर्मी चढ़ गई है कि?
मैं बहुत तपा हुआ हूँ, चुपचाप बैठा रहे वरना सारी गर्मी तेरे ऊपर निकाल दूंगा, समझ गया ना? रहो जीजा, किसी गलत फहमी में मत रहियो, तेरी सारी गर्मी ना अभी यहीं पे निकाल दूंगा मैं। जीजा मैं तो मजाक कर रहा, तू खामा खा बुरा मान रहा, मैं तो पता बरस से सिकाई करके थारे सर की ना गर्मी निकालने की बात कर रहा था। गर्मी तेरी मैं निकालता हूँ। अरे छोड़ते थे नवाब साहब नहीं थे, फिर पुलिस आके छुड़ाती थी, तो भी पुलिस बुला। अरे मम्मी पुलिस बुलाऊंगी तो संजू को जेल लेके जाएंगे। अब तू ही फैसला कर ले कश्मीरा, कि तुझे जेल में जिंदा पति चाहिए या घर में मुर्दा भाई। पुलिस पुलिस आया भाई, आया 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 आया। अरे क्या कर रहा है, लौंडे की जान लेगा क्या भाई? छोड़ दे लौंडे, छोड़ दे छोड़ दे उसको। अरे लौंडे की क्यों जान ले रहा है, क्यों कांड कर रहा है तू? इंस्पेक्टर साहब आप इतनी जल्दी, एक बार पुलिस बोलने पे ही आ गए आप। भाई मैं तो इधर से ही गुजर रहा था कि मुझे अचानक पुलिस पुलिस की आवाज आई तो मैं अंदर आ गया। भाई वैसे भी तू जानता है कि मेरी नजरें तो हमेशा तुझ पे ही टिकी रहती है ना, लेकिन तू क्यों भाई इस लौंडे के साथ लुत्तम गुत्था कर रहा था? हम बात कर रहे थे। इंस्पेक्टर साहब मैं बता रहा, जैसे कपड़े को निचोड़ा है ना और मरोड़ दे है, वैसे जीजा ना हमारी गर्दन मरोड़ रहा था। क्यों भाई लौंडे, बड़ी जान है तेरे इन हाथों में, कभी इन मजबूत कांधों का, इन हाथों का भाई हम पे भी ट्रायल कर दे, जरा देखूं तू कितनी जान है तेरे हाथों में। इंस्पेक्टर साहब आप भी अपनी गर्दन दबवाओगे किससे? नहीं भाई लौंडे, हम गला क्यों दबवाएंगे, ठीक है ना लौंडे? चल भैया थाने में अरमान पूरे करते हैं। एक मिनट, आप संजू को थाने मत लेके जाइए, वैसे भी छुड़वाने तो मुझे ही आना पड़ेगा ना, और वैसे भी आज मॉल में है ना सेल लग रही है, तो वो मैं मिस नहीं करना चाहती, तो आप छोटी सी वार्निंग देके छोड़ दीजिए ना। भाई जालिम, किसी न किसी बहाने तू मेरे हाथों से बच ही जाता है। ठीक है भाई, मैडम आप कह रही हैं तो लास्ट वार्निंग देके इसको छोड़ रहा हूं, लेकिन देख भाई लौंडे, अगर अगली दफा मुझे कुछ सुनने में आया कि तूने फिर किसी की गर्दन पे हाथ डाला है तो तुझे जो है फिर मेरी बॉडी पे तेल डालना पड़ेगा। तो मतलब कि मेरी मालिश करनी पड़ेगी, वो भी पूरी रात। इसलिए फिर मुझे कोई दूसरी बार तुम्हारी कंप्लेन नहीं मिलनी चाहिए, ठीक है? अच्छा चलता हूं भाई, दुआओं में याद रखना। बावली पूंछ मारे से ना 4 फुट दूर रहियो, वरना थारी हवा टाइट कर दूंगा मैं। साले इंस्पेक्टर साहब, साले साहब बात तो पूरी सुन लो, अब मैं 4 फीट नहीं 40 फीट दूर रहूंगा आपसे, आपका हुक्म सर आंखों पे। तेरी आंखें किसी दिन बसुड़ी के खेत में ही बोऊंगा मैं। चलो मैं चेंज करके आता हूँ। ठीक नहीं कर रहा है खिलौनी, मैडम पे मैं कितने सालों से ट्राई मार रहा था, तू मैडम की जिंदगी से दूर चला जा। भाई ऐसा है, मैडम ने खुद आकर मुझे प्रपोज मारा है क्योंकि मैं उनको बहुत हैंडसम लगता हूँ। कंगारू लगता है तू, और प्यार अंधा होता है, और मैडम भी प्यार में अंधी हो गई है, उस अंधेपन का नाजायज फायदा मत उठा तू। भाई अब मेरी जान मुझे मिल गई है तो तेरी जान क्यों निकल गई बे? देख साजन, गुस्सा थूक दे, चला जा, पीते हैं, बैठ। मेरे पास अपना खंबा है, मैं उठाई गिरों के पौवा से नहीं पीता। मेरे पास मेडिकल स्टोर है,
बाइक है और पीछे बैठने वाली खूबसूरत लवर मैडम है। तेरे पास क्या है बे? ईंट है, दूं क्या तेरे सिर पे? अरे जीजा, जीजी बुला रही, फिटना ना है तो मिनट से पहले आ ले। अरे यार सॉरी यार, मैं तो भूल ही गया था यार। तेरे पास तेरी बीवी है, सास है, साला है, जिन्होंने तेरी लाइफ की बसुड़ी कर रखी है। बसुड़ी तो साले मैं तेरी कर दूंगा आज। मैं इस वक्त ऑफिस से बाहर हूँ मैडम। फाइन मिस्टर साजन, तो कल आपको ऑफिस में आने की कोई जरूरत नहीं। आई विल फायर यू। या आई एम फाइन। आपने सीधे मुझे नौकरी से निकाल दिया मैडम? ये तक नहीं पूछा आपने कि मैं इसे क्यों मार रहा था? मुझे आपसे कुछ भी पूछने की जरूरत नहीं मिस्टर साजन, बिकॉज़ आई नो कि मिस्टर खिलौनी कोई भी गलत काम कर ही नहीं सकते हैं। गलती आप ही से हुई होगी। कल से आपको ऑफिस आने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं जानू, इसकी वजह से तुम मुझे मिली हो, इसे नौकरी से मत निकालो। क्योंकि मैं नहीं चाहता हमारे प्यार को किसी गरीब की बद्दुआ लगे। Look at him, Mr. Sajan. Okay, I understand. लेकिन इन्होंने मेरा मूड इतना अपसेट कर दिया है, चलो कहीं घूमने चलते हैं। Yeah. Let's go. लंगूर के मुंह में अंगूर वाली कहावत शायद इसी दिन के लिए बनी होगी। भगवान, ये दिन दिखाने से पहले तूने मेरी आंखें क्यों नहीं छीन ली? जीजा आया नहीं, जल्दी आ जा वरना जीजी थारे दीदे फोड़ देगी। ये गलत है भगवान, सारी गलत प्रार्थनाएं आप पहले सुन लेते हो, मैं नहीं खेल रहा, आ रहा हूं। कहां घूम रहे हो, खाना नहीं खाना? गम और धोखे खाका के पेट भर गया मेरा। क्या बड़बड़ा रहे? अरे कुछ नहीं यार, लाओगी तो खाऊंगा ना खाना। पूछे जा रही हो खाली कब से? मधर्मा, आपके बिना दिन निकल तो जाता है लेकिन गुजरता नहीं है। हेलो, तू भी यहाँ से गुजरता तो? अरे मेरे कंगन, कहते रहे मेरे दामाद से कि छेदी जी से इज्जत से बात करे। क्यों, ये कहीं का लाट साहब है क्या? मिस्टर साजन, आपके कहने का मतलब क्या है? मतलब आप खुद देख लीजिए सर। Have a seat, baby. Yeah. बेटा ये क्या है? ये तुमने लोमड़ी जैसी शक्ल वाले इंसान का हाथ क्यों पकड़ रखा था? मैंने मिस्टर खिलौनी का हाथ इसीलिए पकड़ा हुआ था क्योंकि मैं इनसे बेहद प्यार करती हूँ एंड हम शादी करना चाहते हैं। हाँ तो जब मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा पाजी? पापा जी क्या करेंगे? भले फिर उसमें खिलौनी शादीशुदा क्यों ना हो, पहले से आप कुछ नहीं कर सकते। इन दोनों की शादी होने से आप नहीं रोक सकते सर। अब शादीशुदा? बेटा तुम्हें कोई और नहीं मिला? मामूली सा मेडिकल स्टोर चलाने वाले इंसान के साथ शादी करके बेटा तुम्हें क्या मिलेगा? मुझे मेरा प्यार मिलेगा पापा। ओ, मुझे थोड़ा सा वक्त दो ये सब सोचने के लिए। अरे मेरी बिंदी, कह दे रहे सबको हिंदी में कि प्यार मोहब्बत के बारे में इतना सोचा नहीं करते, बस मंजिल तक पहुंचा करते हैं। हम दोनों ने ये डिसाइड कर लिया है कि हम शादी करने वाले हैं एंड दैट्स फाइनल।